विंध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का हिस्सा यदि साथ में नहीं खड़ा हुआ तो सरपटक के लाख मर जाएगा, कोई विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होना है। कि विंध्य प्रदेश करने से यदि कोई तर जाता है तो हम तो कहते हैं सभी तरे। जो विंध्य प्रदेश शब्द का जन्म हुआ है वो बुंदेलखंड में हुआ। नमस्कार, पंचायत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण बहादुर सिंह। दोस्तों, विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की मांग इन दिनों तेज होती जा रही है। बघेलखंड के कई नेताओं ने विंध्य प्रदेश को दोबारा राज्य बनाने को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन बिना बुंदेलखंड के विंध्य प्रदेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जिन्होंने विंध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है और विंध्य को लेकर के उन्होंने विंध्य का पुनरोदय नाम से किताब भी लिखी है। इन दिनों ये बुंदेलखंड की यात्रा पर थे और वहाँ पर विंध्य प्रदेश को लेकर लोगों का क्या रुझान है उस पर अध्ययन किया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी। स्वागत है आपका पंचायत चैनल में। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बुंदेलखंड में विंध्य प्रदेश को लेकर लोगों का क्या रुझान है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर विंध्य प्रदेश की जरूरत है क्यों? बहुत सही सवाल पूछा। मैं तो पहला जवाब दे दूं कि विंध्य प्रदेश की जरूरत क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का बड़ा आसान सा उत्तर है। पूरे देश में बहुत से राज्य गठित हुए आज़ादी के बाद, उसी प्रक्रिया में विंध्य प्रदेश बना और 48 से लेके 56 तक यह एक ऐसे राज्य के रूप में रहा, जैसे कि अभी भी बहुत से राज्य हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरलम, तब पूरे देश के जो भी राज्य हैं जिस प्रक्रिया के तहत बने थे, जिस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मापदंडों के आधार पर बने थे, वैसे विंध्य प्रदेश पर 8 साल बाद एक धारणा ये आई कि बड़े राज्य सरवाइव नहीं कर सकते हैं इकोनॉमिकली, तो इसलिए इनको छोटे राज्य सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए बड़े राज्यों में मिला देना चाहिए। तो विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया। और इसके बाद सन 2000 में एक नई थ्योरी आई जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी कि जो छोटे राज्य हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सत्ता का जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तो जो सरकार का जो लोक व्यापीकरण है वो जन जन तक पहुंचेगा और हर व्यक्ति विकास का भागीदार बनेगा। तो इस थ्योरी के तहत उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से कट के झारखंड बन गया और प्रकारांतर में अभी 4-5 साल पहले तेलंगाना बन गया। अभी भी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल और बुंदेलखंड और रिमेनिंग उत्तर प्रदेश को बांटने की एक बात चल रही है और उसकी कवायद भी शुरू हुई है। सवाल ये है कि जो राज्य कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, उनको आप अलग कर रहे हो, और जो एक राज्य 8 साल तक अपने अस्तित्व में था, आप उसको अलग करने में आपको हिचकिया है। तो पहला अधिकार तो विंध्य प्रदेश का इसलिए बनता है कि आपने एक थ्योरी के तहत उसको मर्ज कर दिया और दूसरे थ्योरी के तहत उसके जैसे राज्यों को आपने फिर से इमर्ज किया, तो विंध्य प्रदेश को भी इमर्ज कर देना चाहिए। तो मतलब जैसे दूसरे राज्यों को जो है अधिकार दिया गया, छोटे छोटे राज्य बनाए गए, उस आधार पर विंध्य प्रदेश को भी बनाना चाहिए, ये आपका मानना है ना जी? तो जब इसमें बुंदेलखंड की क्या भूमिका है, यदि विंध्य प्रदेश बनता है तो उसमें बुंदेलखंड की क्या भूमिका है, मैं पूछना चाहूँगा। पहली चीज, कई भ्रम है लोगों में जी, तो विंध्य प्रदेश को बुंदेलखंड और बघेलखंड के फांक में जो बांटा गया, ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, एक राजनीतिक साजिश थी जिसके तहत पूरे विंध्य प्रदेश को इन दो सेक्ट्स में बांटा गया।
जी एक जी भ्रम है और शायद लोगों को नहीं मालूम कि जो जी विंध्य प्रदेश शब्द का जन्म हुआ है वो बुंदेलखंड में हुआ है। जी बुंदेलखंड में नौगांव जहाँ पे अंग्रेजों का पहले पॉलिटिकल एजेंट बैठता था और जी वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी बीपी मेनन साहब ने 34 रियासतों को जोड़कर एक प्रदेश बनाने की मंशा व्यक्त की। वो 34 की 34 रियासतें बुंदेलखंड के हिस्से की थी जिनको आप बुंदेल खंड के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जी उन्होंने मिलकर एक राज्य को बनने की सहमति व्यक्त की और आपको मालूम होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो जी विंध्य प्रदेश शब्द है ये उन 34 रियासतों का दिया हुआ शब्द है जो बुंदेलखंड की मानी जाती रही हैं और जी उन्होंने ही इस नाम को दिया। तो वो 34 रियासतें मिलके पहले विंध्य प्रदेश बनी और इसके बाद फिर रीवा स्टेट का मर्जर हुआ। 35वां स्टेट रीवा स्टेट था क्योंकि एक बड़ा राज्य था, इसलिए एक सुव्यवस्थित राज्य को रूप देने के लिए रीवा राज्य को, रीवा राज्य विंध्य प्रदेश नहीं था, जी बुंदेलखंड की 34 रियासतें विंध्य प्रदेश बन गई, तब जी विंध्य प्रदेश में नहीं था। जी उन 34 रियासतों ने आम सहमति दे करके विंध्य प्रदेश के गठन को स्वीकृति दी। एक ये भ्रम खत्म होना चाहिए जी कि विंध्य प्रदेश का मतलब रीवा सीधी सतना शहडोल, रीवा जी सीधी सतना शहडोल का विंध्य प्रदेश से उतना ताल्लुक नहीं है जितना जी बुंदेलखंड की रियासतों से है, पन्ना जी छतरपुर दतिया से है। जी तो ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिर शब्द को लेकर भी एक कॉन्स्पिरेसी पैदा कर दी गई, विंध्य का मतलब जी रीवा, विंध्य का मतलब सतना, विंध्य का मतलब सीधी शहडोल। नहीं, जी विंध्य क्या है, एक जियोग्राफिकल नाम है, मतलब जो जी एक विंध्यन टेराइन है वो इधर बनारस से गुजरात तक जाती है जी बिल्कुल लगभग 1,000 1,200 किलोमीटर की पूरी एक तराइन जाती है जी और उसका सबसे बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड होते हुए गुजर, विंध्य की। दूसरी चीज जो विंध्य शब्द है आपको मालूम है क्या, कि बुंदेलों की जो कुल देवी है वो माँ विंध्यवासिनी। आप पन्ना से दतिया तक चले जाइए, विंध्य के नाम से आपको दुकानें मिलेंगी, विंध्य के नाम से वहां अखबार निकलते हैं, विंध्य के नाम से वहां प्रतिष्ठान है, विंध्य के नाम से वहां पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि जी माँ विंध्यवासिनी बुंदेलों की आराध्य देवी रही हैं और जो विंध्य शब्द है वो बुंदेलखंड की देन है और जो विंध्य प्रदेश है वो बुंदेलखंड की 34 रियासतों ने मिलकर नौगांव में दिया है। तो इसलिए ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि मूल विंध्य प्रदेश कहाँ है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे विंध्य प्रदेश की जो गर्भनाल है वो बिल्कुल बुंदेलखंड बिल्कुल में। ये आपने जैसे कहा कि बुंदेलखंड में ही विंध्य प्रदेश की गर्भनाल है, लेकिन अगर जो हम विंध्य प्रदेश की बात करें तो उस दौरान भी ये देखने को आया कि बुंदेलखंड के नेताओं में और जो बघेलखंड के नेता थे उनके बीच में आपसी टकराव बना रहता था। इसके बाद अभी हम देखें तो हमारी लोक संस्कृतियां जो हैं वो बघेलखंड से कहीं भिन्न नजर आती हैं। तो फिर आप कैसे देखते हैं कि हम दोनों स्टेट एक साथ आ सकते हैं, दोनों क्षेत्र अपने एक साथ आ सकते हैं? आप बहुत सही बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को जी देखो, जी मेरठ की बिल्कुल बोली, मेरठ के रीति रिवाज, मेरठ की भाषा अलग है, मिर्जापुर जी की अलग है, बांदा की अलग है। और आप बनारस और पूर्वांचल गोरखपुर उधर चले जाएंगे तो वहां की अलग है बोली जी भाषा संस्कृति रीति रिवाज सब में क्या है, समय काल के साथ परिवर्तन होता जाता है। मैं नागौर एक में उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए, जैसे वहां के जो लोकगीत हैं वो हमारे बघेलखंड के एरिया में किसी तरह लोग बाग फूहड़ मानते हैं उनको, और ऐसी संस्कृति नहीं है हमारे क्षेत्र की। तो
तो ये कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति संस्कृतियों को लेकर के भी होती है और अपने क्षेत्र को भी लेकर होती है, और वो बुंदेलखंड की मांग अलग से कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का, तो ये कहीं ना कहीं टकराव का। ये परसेप्शन है आपका, ये मध्य प्रदेश बना हुआ है। आप निमाड़ी समझते हो, आप खरगोन की भाषा समझते हो, आप जी, अलीराजपुर झाबुआ की भाषा समझते हो, बिल्कुल भाषा बिल्कुल। उनकी बोली ही नहीं समझते हो। आप गोड़वाना इलाके की बोली भाषा समझते हो, मध्य प्रदेश में आप हर 100 किलोमीटर में बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज सब बदल जाता है, तो भी मध्य प्रदेश। और बिल्कुल बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तो दोनों की, देखिए आप नागौद में जो बघेली बोली जाती है, चाक घाट में वो बदल जाती है, मिर्जापुर में बदल जाती है, सिगरौली में बदल जाती है, जी जी रीति जी रिवाज सब बदल जाते हैं। देखिए जी क्या है, जो मूल उत्स की बात है, जो 16 संस्कारों के जो गीत हैं, हर बोली में, भोजपुरी में भी है, बघेली में भी है, बुंदेली में भी है और निमाड़ी में भी है, हर बोली भाषा में, माने आप गुजरात चले जाओ गुजराती में भी है, हरियाणा में भी है, एक कहानी है, सिर्फ लहजे बदल जाते हैं। तो ये लहजा तो बदलेगा, आप सोचो पूरा देश एक टंग पे बोलने लगे, असंभव है। हमारा गांव लेकिन ये एक टकराव टकराव की स्थिति तो होती है ना। टकराव की स्थिति, ये तो परसेप्शन है, कहाँ टकराव की स्थिति आई। तो भाषा और संस्कृति के आधार पे मैंने कहा ना, ये तो कोई वेरिएशन नहीं है, नातवानी रिश्तेदारी से लेके हर चीज आपस में है। यहाँ पहले संभाग था, फिर संभाग का कुछ हिस्सा कटा, फिर यूनिवर्सिटी थी, फिर बहुत सारी ऐसी टेरिटरी थी जो बुंदेलखंड को और बघेलखंड को एक करके जोड़ी थी। और इस तरीके का कभी कोई टकराव ना तो आया, ना तो आने की कोई संभावना। अभी तो हम पूरे बुंदेलखंड की यात्रा करके गए, कोई वेरिएशन नहीं है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की बोली अलग है और जगदलपुर की बोली अलग है, दुर्ग और भिलाई में अलग छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, और आप बिलासपुर में हमारी बघेली के नजदीक की छत्तीसगढ़ी है। आप बघेली बोली को, रिमेई बोली को तय चुकार के साथ जोड़ दो तो छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सरगुजा और बिलासपुर जो है, ये हमारे ज्यादा करीब है, तो हमारे लहजे में छत्तीसगढ़ी बोलता है, लेकिन दंतेवाड़ा में और जगदलपुर में और कोडारगांव में वहां की बोली अलग है, वहां इवन छत्तीसगढ़ी भी नहीं बोली जाती। तो दुर्ग भिलाई में अलग लहजा है, तो कवर्धा में पंजाबियों का असर बहुत है, भिलाई में पंजाबियों का बहुत असर है, आप जाओगे छत्तीसगढ़ी में वहां पंजाबी मिलेगा। तो वो देखिए रहन सहन रीत रिवाज, इसके साथ बोली भाषा और इनके अंदाज बदल जाए, ये बड़ा इशू नहीं। ये किसी भी के बनने और न बनने के आड़े आने वाला कोई एक बड़ा इशू नहीं है। और विंध्य प्रदेश जब मर्ज किया गया, जब तोड़ा गया, तो ये इशू आड़े नहीं आया कि सबकी बोली एक नहीं है, सबकी संस्कृति एक नहीं है, इसलिए तोड़ दिया जाए। तोड़ा इसलिए गया कि छोटा राज्य है और बड़ा राज्य बनाया जाना है, इसलिए तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा ये था कि जैसे अभी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो बघेलखंड के जो एरिया है वहां पर विंध्य प्रदेश को लेकर के काफी आंदोलन हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वो चिंगारी बुंदेलखंड में कहीं उतनी ज्वाला से नहीं दिखाई देती, उतनी तेज नहीं दिखाई देती। तो आप बुंदेलखंड एरिया घूम करके आए हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप इसका कि क्या पहली कारण? पहली चीज तो ये है कि जी बुंदेलखंड, यहाँ से पहले बुंदेलखंड के लोगों में एक धारणा आई कि उनका एक पृथक बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। जब यहाँ पे साइलेंस था, जब बघेलखंड के लोग चुपचाप थे, तब वहां बुंदेलखंड की बात उठी। लेकिन अभी मैं वहां पे गया और वहां पे देखा, तो वहां कोई भी बुंदेलखंड, माने चाहे पन्ना हो, चाहे टीकमगढ़ हो, और चाहे दतिया हो, चाहे छतरपुर हो, कोई भी उत्तर प्रदेश के हिस्से के बुंदेलखंड के साथ नहीं जाना चाहता था। कोई भी झांसी को केंद्र करके कोई राज्य नहीं बनाना चाहता, ना पन्ना, ना दतिया, ना टीकमगढ़। वो विद इन द मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड की बात करते हैं। विंध्य प्रदेश का इनिशिएटिव लेने के लिए सन 2000 में
जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो विधानसभा में एक प्रस्ताव आया 13 मार्च 2000 को कि विंध्य प्रदेश का पुनरुदय होना चाहिए। जिस स्थिति में विंध्य प्रदेश मर्ज हुआ उस स्थिति में उसका उदय होना चाहिए। तो उस संकल्प में विंध्य मतलब बघेलखंड हिस्से के विधायकों से ज्यादा मुखरता के साथ बुंदेलखंड के विधायकों ने इस बात को उठाया कि विंध्य प्रदेश का पुनरुदय होना चाहिए। ये सर पहले की बात हुई, पहले लोग नेता इकट्ठे होकर के और विंध्य के पुनरुदय की मांग लोगों ने की। आप अभी बुंदेलखंड घूम करके आए हैं, आपको अभी क्या रुझान लगा बुंदेलखंड के लोगों में, बुंदेलखंड के नेताओं में? जी आप देखिए, कुसुम महदेले कद्दावर नेता है, उनके पास गए, सहमत जी हैं। जयपाल सिंह है, वहां पे श्रीकांत दुबे जो एमएलए रहे पन्ना से, इसके बाद हम उमेश शुक्ला जी से मिले, हम सत्यव्रत जी से मिले, हम शंकर प्रताप जी से मिले। टीकमगढ़ में भी बहुत से लोगों की, यद्यपि हम डेलीबरेटली मिलने के हिसाब से नहीं गए थे और ना तो कोई ये तय कार्यक्रम था कि लोगों से, हम जी तो एक रैंडम रिएक्शन जानना चाहते थे कि विंध्य प्रदेश शब्द से इन क्या रिएक्ट करते हैं। इतना रिस्पांस मिला, पन्ना में पूरा प्रेस आया, छतरपुर में, टीकमगढ़ में, हर जगह, और सब लोग का एक क्लैरिफिकेशन यही था विंध्य प्रदेश को लेके। एक तो उनकी अवधारणाएं ये दूर हुई कि विंध्य प्रदेश रीवा सीधी सतना जो पॉलिटिकली कर दिया गया, तो पहली चीज तो ये उनके दिमाग से भ्रम दूर हुआ जब ये बताया गया कि विंध्य प्रदेश शब्द तो बुंदेलखंड का दिया हुआ। ये 34 रियासतें मिलके विंध्य प्रदेश बनती हैं, ना कि रीवा। 34 रियासतें बनी मिली और विंध्य प्रदेश बना, फिर प्लस रीवा जोड़ा। ये चीजें, ये तथ्य लोगों को नहीं मालूम। दूसरा, विंध्य जी प्रदेश सरनाल जैसा कि मैंने कहा बुंदेलखंड में गढ़ी है, तो नौगांव में विंध्य प्रदेश का विधिवत गठन हुआ। तो ये इतिहास से जब बवास्ता लोग होते हैं, देखिए दर्द का रिश्ता एक है, भूखमरी, गरीबी, गुर्बत, शोषण, उपेक्षा जो बुंदेलखंड में है वही बघेलखंड के हिस्से में, तो ये दोनों को एक करती हैं। हमको कहीं भी किसी भी कोने से ये बात सुनने को नहीं मिली कि विंध्य प्रदेश का के पुनरुदय की जो बात है वो गलत है। कुछ लोगों ने बुंदेलखंड की बात की, लेकिन बुंदेलखंड वो जो विद इन द मध्य प्रदेश हो, वो किसी भी कीमत पे राठ, जालौन, एटा, बांदा और झांसी, जौनपुर, इस वाले बुंदेलखंड की बात नहीं करते हुए बोले किसी कीमत पे वहां पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हमारे राजनीतिक और हमारी विरासत, जो राजनीतिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक परंपरा वहां से यहाँ से मेल नहीं खाती, तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये है कि इस क्षेत्र के जो नेता लोग हैं वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ को लेके विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, और वही दरअसल गड़बड़ सबसे करते हैं, क्योंकि वो रीवा में चिल्ला रहे हैं विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, वो सतना में चिल्ला रहे हैं विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, सीधी में चिल्ला रहे हैं विंध्य प्रदेश, उनकी हिम्मत ही नहीं पेचे कि पन्ना में घुसे, छतरपुर में जाए, टीकमगढ़ पन्ना यहाँ पे जाए, तो जाते ही नहीं वहां पे। उनको पता नहीं किस चीज का भय लगता है। और दरअसल ऐसे नेता जो विंध्य प्रदेश की आंदोलन या विंध्य प्रदेश के पुनरुदय की भावना की पीठ पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं ना, वो विंध्य प्रदेश नहीं चाहते, वो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स चाहते आप आपका आपका हैं। इशारा आपका इशारा नारायण त्रिपाठी की तरफ है। नहीं, नारायण त्रिपाठी, देखिए नारायण त्रिपाठी 2 करोड़ विंध्यवासियों में से एक है। नारायण त्रिपाठी जी 2 करोड़ विंध्यवासी हैं, उनमें से एक नारायण त्रिपाठी भी है, एक मैं भी हूँ, एक लक्ष्मण तिवारी भी है जो नाम उठाते हैं, एक रणवीर सिंह भी है जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो कुल मिला के ये हम सब उन 2 करोड़ विंध्यवासियों में से एक है। कोई भी नेता नहीं, मेरे से बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि विंध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं, विंध्य प्रदेश का एक एक आदमी नेता है, विंध्य प्रदेश का एक एक आदमी अपने आप में एक संगठन है। अभी जन जागरण का दौर है, जब तक कि 2 करोड़ लोगों की जुबान से जय विंध्य प्रदेश का नारा नहीं निकलेगा, जब तक कि जन जन के हृदय में विंध्य प्रदेश की पुनरुदय की आकांक्षा तीव्र नहीं होगी, तब तक आप पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते हो। आप चमका सकते हो कि बीजेपी की सरकार है और हम यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे तो हमको मना लो, इस तरीके की आप बात कर सकते हो,
या दूसरे को दूसरे पार्टी के साथ अपना आप एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर सकते हो, लेकिन इसका भिंद प्रदेश के पुनरुदय के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ऐसे लोग जो भिंद प्रदेश के भावना की पीठ पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं, आप नोट कर लीजिए, ऐसे लोगों को यहाँ के लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ नेताओं के बूते नहीं बना है, छत्तीसगढ़ नेताओं के बूते नहीं बना है, संस्कृत कर्मियों ने छत्तीसगढ़ को गढ़ा है, पत्रकारों ने गढ़ा है, विद्वानों ने गढ़ा है, किसानों ने गढ़ा है, वहां के नौजवानों ने गढ़ा है, नेताओं की मजबूरी बन गई तब वो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बोलने लगे। न श्यामाचरण विद्याचरण चाहते थे, न अजीत जोगी चाहते थे, न रमन सिंह चाहते थे, कोई छत्तीसगढ़ बनना नहीं देना चाहता था, लेकिन वहां के भूमिपुत्र छत्तीसगढ़ चाहते थे, वहां का किसान, वहां का नौजवान, वहां का छात्र, वहां का संस्कृत कर्मी, वहां का जो युवा है वो चाहता था कि हमारी अपनी एक पहचान बने, हमारा उपेक्षा बंद हो, हमारा शोषण बंद हो, हमारे रिसोर्सेस का उपयोग हमारे ऊपर हो, हमारी विकास के लिए, हमारी बरकत के लिए हो। तो वो आवाज जब जमीन से उठकर आई, आसमान में फैली, तब नेता लोग मजबूर हुए। तो निकट भविष्य में विंध्य प्रदेश के साथ भी यही होने वाला है। यहाँ जन जन की जुबान से विंध्य प्रदेश की जब बात उठनी शुरू हो जाएगी, तब नेताओं की मजबूरी हो जाएगी और वो इस आंदोलन को अपनी जुबान पे लेना शुरू कर देंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में शुरू किया, और केंद्र सरकार की मजबूरी बन जाएगी। अभी देखो, अभी एक पॉलिटिकली पहला एक टेस्ट हुआ, अभी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में बिंद क्षेत्र की, यानी कि आप बघेलखंड का हिस्सा बोल सकते हो, उसने रिजेक्ट कर दिया। 30 में से 32 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। तो अभी कमलनाथ भी रोते हुए कहते हैं कि यदि ये इलाका हमारा साथ दिया होता तो हमारी सरकार नहीं जीती। और शिवराज सिंह जी साष्टांग दंडवत होते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ इसी जमीन पे हूँ। तो एक राजनीतिक हैसियत का तो पता राजनीतिक दलों को इस बार के चुनाव से पड़ गया। तो ये एक शुरुआत है, निकट भविष्य में जब लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यदि हम विंध्य प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की बात करेंगे, यहाँ के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को यहाँ खर्च करने की बात करेंगे, यहाँ हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। आप बताओ, जबलपुर में 4 यूनिवर्सिटी है, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, भोपाल में 3-4, 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, 6 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इंदौर में IIT, IIM है और के नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, ग्वालियर में 4 यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आपका NIIIT है और संगीत का यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट 2-4 यूनिवर्सिटीज हैं, खेल का नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो आप ये बताओ कि रीवा जो डिजर्व करता था, एक प्रदेश की राजधानी था, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ एक कॉलेज है, 2000 की कैपेसिटी है, 16,000 लड़के पढ़ रहे हैं, टीआईएस कॉलेज में 16,000 लड़के पढ़ रहे हैं, 3 के शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1,500 की कैपेसिटी का यहाँ पे कन्याओं का विद्यालय है, 7,500 कन्याएं वहाँ पे पढ़ रही। तो शिक्षा के विभाग, शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमारी ये दुर्गति कर दी, हमारी स्कूलें डिग्रेड हो गई, हमारी यूनिवर्सिटी डिग्रेड हो गई, हमारे पास उच्च शिक्षा के ऐसे संसाधन, ऐसे इंस्टीट्यूट आपने दिए नहीं। आप IIIT क्यों नहीं दे सकते थे हमको, IIM क्यों नहीं दे सकते थे, NIT आप हमको क्यों नहीं दे सकते थे। तो जो भी नेता जिनसे, जिनके ऊपर भी हमने उम्मीद व्यक्त की, हम तो खुले मुंह कह सकते हैं कि HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे, दुनिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बांटी, NIIT बांटी, द्वारिका प्रसाद IIT बांट दिए, जबलपुर को अटल बिहारी के नाम से चली गई, ग्वालियर में इस तरीके से आपने IIM, IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ये सब बांटते रहे, विंध्य प्रदेश आपकी नजर में नहीं आया। यहाँ हम दुनिया में देश में सबसे ज्यादा कोयला उत्पन्न करते हैं, सबसे ज्यादा बनाते हैं, आप सिगरौली में स्कूल ऑफ माइंस जैसे धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे नहीं खोल सकते हो आप। सतना का इलाका पूरा सीमेंट का क्लस्टर है, पूरे देश में 15% सीमेंट हम पैदा करते हैं। आप रुड़की जैसा बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि IIT के स्टेटस का है, आप सतना में नहीं खोल सकते थे, आप IIM यहाँ नहीं खोल सकते थे। मध्य प्रदेश में 34% फॉरेस्ट कवरेज यहाँ पे है, उम्दा किस्म का फॉरेस्ट यहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे उम्दा किस्म की है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ रिहैबिलिटेशन टाइगर का हमारे क्षेत्र में है।
डिस्कवरी और ज्योग्राफी चैनल में दिखने वाला हर दूसरा टाइगर हमारे इलाके का है, हमारे बांधवगढ़ का है, हमारे पन्ना का, हमारे संजय का है। आप यहाँ पे फॉरेस्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल सकते थे कि वो देहरादून में ही खोलोगे, कि जबलपुर में ही खोलोगे, कि कोयम्बटूर में ही खोलोगे? आप इस क्षेत्र में क्यों नहीं खोला? इतनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी, इतना जबरदस्त फॉरेस्ट, इतनी जबरदस्त वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ होने के बाद आपने जानबूझ के यहाँ पे यहाँ के लोगों को दरिद्र बना के रखने की कोशिश की, आपने जनता को। तो इसलिए जिस जिस व्यक्ति ने विंध्य क्षेत्र को छला है, चाहे कितना भी बड़ा नामधारी आदमी हो, उसको यहाँ की पीढ़ी, यहाँ के पीढ़ियों की आह और विंध्य प्रदेश की उपेक्षा कभी माफ नहीं करेगी। ये चीज नोट करके सबको रख ले। सर, आपने एक चीज कही कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने आंदोलन किया और छत्तीसगढ़ बना। आपने ये बात भी कही कि हमारे विंध्य प्रदेश में इतने नेचुरल रिसोर्सेस होने के बाद भी हमारे विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज उतनी नहीं हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के ज़्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। इन सब के बाद, इन सब चीज़ें होने के बाद भी लोगों के अंदर वो चिंगारी क्यों नहीं उठती है जो छत्तीसगढ़ में उठी? यदि यदि आ रही है, आप इस चीज को महसूस करिए, जो इंदौर में कोचिंग कर रहा है पीएससी की, जो दिल्ली में है, जो बाहर लड़के हैं वो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं। कम से कम 20 से 25 लड़के, जो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई जेएनयू में पढ़ता है, कोई मुंबई में पढ़ रहा है, यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं इंदौर में, ये सब मेरे से जुड़े हैं, सब विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, सब विंध्य प्रदेश को जानना चाहते हैं, सब उंगली उठाते हैं अपने पुरखों पर और अपने जनप्रतिनिधियों पर कि हमारी दुर्गति ये क्यों नहीं, हम इंदौर में सीधा पिसान लेके यहाँ पे माँ बाप का खर्चा करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसा वातावरण रीवा में क्यों नहीं मिल रहा? ये लड़के आज सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। और सही मायने में विंध्य क्षेत्र का, विंध्य प्रदेश का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो छात्र है, सबसे ज्यादा विंध्य प्रदेश की बात वही कर रहा है। नेता लोग तो अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहे हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या क्या किसी नेतृत्व की कमी है? कोई नेता उनको नहीं मिल पा रहा है जिसके पीछे वो खड़े हों, या किस चीज की कमी आप देखते हैं? अभी वो स्टेज आई ही नहीं, अभी वो स्टेज आई ही नहीं, अभी वातावरण निर्माण का समय है। अभी वो बच्चे, वो छात्र जानना चाहते हैं, एक एक चीज, एक एक बारीकियां जानना चाहते हैं। धीरे 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 जब अपडेट हो जाएंगे, जब वो उपेक्षा का भाव महसूस करने लगेंगे, तो इसके बाद सड़क पे आएंगे। अभी देखिए, कोई भी आंदोलन के कई चरण होते हैं, ये वातावरण निर्माण का चरण है, ये वातावरण निर्माण का चरण है। ये लोग समझ रहे हैं कि विंध्य प्रदेश क्या था और आज की तारीख में क्या है और भविष्य में कैसे हो सकता है, यदि बनेगा तो क्या फायदे होंगे, और यदि हम इसी तरीके से रहे आएंगे तो हमारी नियत का क्या होगा। इन सब चीजों का आकलन करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है, विंध्य प्रदेश की बात को लेकर चाहे नेता अपने स्वार्थ के लिए ही कहीं जाता हो, लेकिन आज भीड़ जुटती है। आज 15 से 20 हजार लोग जुट जाते हैं। नारायण के अभी 2-3 दौरे और तमाम ये सभाएं हुई, वो नारायण के साथ हो या ना हो लोग, लेकिन जो जुटे वो विंध्य प्रदेश की मांग के साथ थे, तभी जुटे, किसी एक नेता के पीछे नहीं जुटे, वो विंध्य प्रदेश ने इस भावना के लिए जुटे। और कोई भी जाएगा विंध्य प्रदेश की बात करेगा तो बिना प्रचार प्रसार के, यदि उनके काम तक बात चली गई कि विंध्य प्रदेश बनाने की बात हो रही है, विंध्य प्रदेश की चिंता हो रही है, विंध्य प्रदेश के पुनरुदय की लड़ाई की तैयारी हो रही है, तो वहां पे लोग पहुंचेंगे। ये बात जैसे नारायण त्रिपाठी की बात आई, तो नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश की पुनर्जीवन की मांग को उठा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जैसा आपने कहा लोगों की अच्छी खासी भीड़ आ रही है। नारायण त्रिपाठी जी की जिस पार्टी में है उसकी सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है, तो आप उनके इस विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जो उनका आंदोलन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा जी, नारायण त्रिपाठी जी वही काम कर रहे हैं जो विंध्य की 2 करोड़ जनता का एक एक व्यक्ति करना चाहता है जी। लेकिन उनके साथ महत्वपूर्ण ये है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं,
एक पार्टी के एमएलए हैं, इसलिए वो थोड़ा आम आदमी से विशिष्ट हो जाते हैं। नारायण त्रिपाठी जी ईमानदारी से विंध्य प्रदेश की बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं वो जाने, लेकिन विंध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं वो आप पत्रकार रहे हैं, विंध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है आपने, तो आप क्या अनुभव करते हैं? क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है या वाकई विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की चिंगारी ज्वाला भड़काने की एक प्रयास है? देखिए, विंध्य प्रदेश का नाम कोई भी ले और उसके अंदर कोई भी स्वार्थ छुपा हो, लेकिन विंध्य प्रदेश का नाम ले लेने भर से ही मैं मानता हूँ कि विंध्य प्रदेश की लड़ाई का वो भागीदार हो गया है। तो इस बात पे बच जाइए कि उसके अंदर क्या लोग जैसे आपने कहा कि विंध्य क्षेत्र के साथ छलावा हुआ है, हो सकता है विंध्य प्रदेश की भावनाएं भड़काने के बाद, उसका फायदा लेने के बाद लोग अपनी राजनीति चमकाने लगे, तो फिर वो विंध्य प्रदेश का जो आंदोलन है वो फिर किस ओर जाएगा? नहीं देखिए, वो विंध्य प्रदेश के लोग इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि कोई उनकी पीठ सवार होकर राजनीति कर लेगा। मैंने जैसे बताया ना, वो तो मजबूर कर देगा आपको। मतलब आज राम नारायण त्रिपाठी विंध्य विंध्य कर रहे हैं ना, कल गणेश सिंह करेंगे, परसों अजय सिंह राहुल करेंगे, न तो राजेंद्र शुक्ला करेंगे, केदारनाथ करेंगे, रीति पाठक हिमाद्री सिंह करेंगी, तमाम सब करने लगेंगे। आज क्यों नहीं है अभी साथ में ये सब? साथ में आप देखें तो नारायण त्रिपाठी जी अकेले नजर आते हैं सब इस फील्ड में, और कोई नेता साथ आता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, नारायण त्रिपाठी जी अपनी पार्टी की मेन स्ट्रीम से हट चुके, वो कुछ उनके पिछले अपने राजनीतिक सर्कमस्टेंस ऐसे रहे हैं। कमलनाथ सरकार के साथ भी वो चले गए थे, उससे पहले वो कांग्रेस के एमएलए थे, फिर कांग्रेस छोड़ी, फिर बीजेपी में आए, कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी में थे। तो उनका एक पार्टी उनके लिए कभी मायने नहीं रही, उनके लिए इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा हमेशा से, कभी पार्टी मायने नहीं रखती। ये भी राजनीति की अपनी एक स्टाइल है, और इस स्टाइल की राजनीति यदि नारायण जी कर रहे हैं और विंध्य प्रदेश का नाम लेके कर रहे हैं तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विंध्य प्रदेश की नाम की बात तो। अब सवाल ये है कि विंध्य प्रदेश करने से यदि कोई तर जाता है, तो हम तो कहते हैं सभी तरे, यदि नारायण त्रिपाठी जी तर जाते हैं विंध्य प्रदेश का को रखते हुए, तो हर वो फेलियर को भी विंध्य प्रदेश लेना चाहिए। जो राजनीति में पास होना चाहता है तो उसको भी विंध्य प्रदेश का नाम जपना चाहिए, और जो पास हैं वो फेल ना होने पाए इसलिए वो भी विंध्य प्रदेश रखे, तो वो स्थितियां बनेंगी, वो वातावरण का निर्माण होगा। नारायण त्रिपाठी सक्षम है और राजनीति का उनको एक बैनर मिला हुआ है, और वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो तो विंध्य प्रदेश की ही दिशा में कर रहे हैं। तो विंध्य प्रदेश आंदोलन के जो अगुआ हैं, नारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि 2022 तक हम विंध्य प्रदेश ले लेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं और आपका इसमें क्या विचार है? कह दिया कि वो विंध्य प्रदेश आंदोलन के अगुआ है। नहीं, अभी तो नेताओं के मामले में तो वही आगे दिखते हैं, वही नहीं वो उनको आप कैसे अगुआ कह सकते हो? बहुत सारे लोग हैं जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, अखबारों में नहीं छपते हैं तो क्या, अब टेलीविजन में नहीं आते तो क्या, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो क्या, लेकिन सीधी में बैठे हुए लोग भी काम कर रहे हैं, शेड्यूल में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि उन्होंने जितना विंध्य प्रदेश की आवाज को पूरे देश के स्तर तक पहुंचाने का काम किया, तो वो विंध्य प्रदेश वो नारायण त्रिपाठी जी के लीडरशिप में हुआ, लोगों ने जाना, उसकी बात करने लगे लोग बाग। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विंध्य प्रदेश की जो पुनर्जीवन की मांग को लेकर है, कई सारे संगठन बहुत समय से काम कर रहे हैं, सबका योगदान है, मैं ये इस चीज से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नारायण त्रिपाठी जी के आने के बाद इस बात को थोड़ा सा बल मिला है, क्योंकि एक लीडर का बल तो होता ही है। आपने राजनीति को करीब से देखा है, आप सारी चीजें समझते हैं, तो मैं वो कहना चाह रहा था। निश्चित तौर पे नारायण त्रिपाठी जी, आप बताए ना कि एमएलए हैं जी, और एमएलए के नाते वो उठा रहे हैं, ये बड़ी बात जी, एक जनप्रतिनिधि होकर वो उठा रहे हैं, ये बड़ी बात। लेकिन नारायण त्रिपाठी ही विंध्य प्रदेश के अगुआ और नेता है, ये गलत बात है। नारायण त्रिपाठी की कद काठी के बहुत से लोग विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं नाम जानना चाहूंगा, है नाम भी जानना चाहूंगा साथ में।
प्रणवीर सिंह है, राम प्रताप सिंह जी हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, मुनीम तिवारी हैं सीधी में, उदय कमल मिश्रा जी हैं, लक्ष्मण तिवारी जी इनके 10 गुना ज्यादा दौरा कर चुके हैं, कम से कम 1,500 मीटिंग्स कर चुके हैं रीवा सीधी सतना सेंट्रल में, पर उनके पास मीडिया नहीं है, भोपाल नहीं जा पाते, टेलीविजन में नहीं आ पाते, खबरों में नहीं आ पाते। वो आदमी पिछले 6 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं बचा होगा जिस दिन भिन्न प्रदेश को लेके उसने जन जागरण अभियान या मीटिंग नहीं की होगी। तो देखिए सब कर रहे हैं, सवाल ये है ना कि इस ये हमारे जो बघेल खंड है, हमारी जो बोली है उसमें मैं नहीं है, उसमें हम है, हमारी बोली में मैं है ही नहीं, हम है। तो मैं नहीं चलेगा, यहाँ हम चलेगा, ये कमजोर लड़ाई है। सन 2000 में जो श्री श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में शिवमोहन सिंह जी और रमाकांत तिवारी ने संकल्प लाया, उसके बाद 50 विधायक जुटे और तमाम आंदोलन तमाम ये सब कुछ हुआ और फिर एक जन जागरण का वातावरण बना। वो आंदोलन नहीं रहा या कम नहीं है, जन जागरण तो वहीं से शुरू होता है, जन जागरण की बात, देश में जाने की बात तो वहीं से शुरू होती है, भिन्न प्रदेश की बात कहाँ से पैदा हुई, तभी से शुरू हुई। आज नारायण त्रिपाठी जी भी बात करते हैं तो विंध्य के पुनरुदय की बात करते हैं और उस संकल्प की बात करते हैं जो 2000 में विधानसभा में लिया गया और वो जो 2000 में विधानसभा से बाहर के अधिवेशन में जिसको संकल्पित किया उसी की बात करते हैं ना, कि कोई अलग धारा से वो विंध्य का निर्माण कर लेंगे। मूल बेस तो वही है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये डिनाई अपन नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को आप क्रेडिट और इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे या मीडिया करेगा या कोई नेता करेगा तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। सवाल ये है ना कि आंदोलन के जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, आप उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से विंध्य प्रदेश नहीं बन जाएगा, 50 गाड़ियों का काफिला ले जाने से विंध्य प्रदेश नहीं बन जाएगा। आप को नहीं समझ रहे हो, आप विंध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते नहीं हो, आप विंध्य प्रदेश के वो मूलभूत तत्वों को जो हमको एक करता है, हमारी सांस्कृतिक एकता है, जैसा हमने कहा कि विंध्य प्रदेश कहाँ पैदा हुआ आप पूछो, नहीं जानता कोई, तो ये तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। बुंदेलखंड नहीं आएगा, विंध्य प्रदेश नहीं बनेगा, ये नोट करके रखिए। विंध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का हिस्सा यदि साथ में नहीं खड़ा हुआ तो सरपटक के लाख मर जाएगा, कोई विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होना है। इसलिए मूल बात यह है कि विंध्य प्रदेश गर्भनाल जहां पर गड़ी है वहां पर खड़े होकर आप फिर से संकल्प लीजिए, आप दतिया जाइए, टीकमगढ़ जाइए, वहां पे माँ पीताम्बरा से और भगवान राम राजा से आशीर्वाद दीजिए, जटाशंकर से आशीर्वाद दीजिए, आप मतंगेश्वर नाथ खजुराहो जाइए, वहां के महादेव से आशीर्वाद लीजिए, आप चित्रकूट जाइए, मैहर जाइए, आप अमरकंटक माँ नर्मदा के पास जाइए, आप विंध्यवासिनी जाइए, आप इन सबके आशीर्वाद से ही विंध्य प्रदेश को बना सकते हैं। आप रीवा सतना में खड़े होके आप शेड्यूल को कन्विंस करना पड़ेगा, शेड्यूल हमारे कम्युनिकेशन की वजह से रीवा संभाग से कट गया, आज शेड्यूल जबलपुर से ज्यादा निकट है, कटनी से ज्यादा निकट है, बिलासपुर से ज्यादा निकट है, रीवा से उसकी वैसी निकटता नहीं है, तो आपको बिलासपुर और अनूपपुर में भी जाके वो जमीनी काम करना होगा, वो पुराने सेंटीमेंट्स आपको सामने उभारने पड़ेंगे। आपको भुजा भाज देने भर से विंध्य प्रदेश नहीं मिलने वाला है, आपको एक एक बुनियादी चीजें बतानी पड़ेंगी। ये मीडियाबाजी से और ये काफिलाबाजी से और ये कलफबाजी से इससे कभी कोई आंदोलन परिणति तक नहीं पहुंचता है। आपको मालूम है पूरे विंध्य प्रदेश में 40% की आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है, आप उनको शामिल नहीं करोगे तो विंध्य प्रदेश कैसे बनेगा। आप सभी सीटें शेड्यूल की एक को छोड़ के अनुसूचित जनजाति के नाम पे, हमारे सिगरौली की जो है 3/4 सीटें जनजातियों के नाम पे है, यहाँ की आबादी जनजातियों की 35-40% के आसपास है, पन्ना की आबादी ऐसे ही है, हमारे रीवा सतना में तो जनजाति थोड़ा कम है लेकिन दलित यहाँ पे ज्यादा है, आप इनको नहीं जोड़ोगे तो विंध्य प्रदेश किसके लिए बनाओ, विंध्य प्रदेश तो इन्हीं के लिए हम मांग रहे हैं ना। आपके बंगले तो भोपाल में भी है, दिल्ली में भी है, आप हवाई जहाज में भी चलते हो, आप कार में भी चलते हो, लेकिन हवाई जहाज कार और दिल्ली भोपाल में बंगला वालों के लिए विंध्य प्रदेश थोड़ी चाहिए, विंध्य प्रदेश उसके लिए चाहिए जो जंगल में रह रहा है, जो सुविधाओं से वंचित है, जहां तक सड़क नहीं गई, जहां पे
औषधि के केंद्र नहीं है, जहाँ कुनेन गोली के अभाव में मलेरिया से बच्चे मर जाते हैं। उस पन्ना को विंध्य प्रदेश चाहिए जहाँ हीरा जगमगाता है दुनिया के लिए, लेकिन वहाँ मजदूरों की एक बहुत बड़ी आबादी हरियाणा पंजाब गुजरात जाती है मजदूरी करने। ये आपको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए नारायण त्रिपाठी की और जो भी बड़े लोग विंध्य प्रदेश के हैं, इनको अपनी भाषा में जुबान में ये बात बोलनी चाहिए। वो बुंदेलखंड में सूखा महामारी तमाम दुनिया भर के आपदाओं से घिरा हुआ है, वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, कल कारखाने नहीं है, वहाँ के गरीब मर रहे हैं भूखे, वहाँ से जाते हैं पलायन करके तमाम ये सब। आप उन ऐसे लोगों की बात करनी पड़ेगी, आपको सिंगरौली के उन विस्थापितों की बात करनी पड़ेगी जो छः छः सात सात बार विस्थापित हो गए, डैम बना विस्थापित हो गए, फिर NCL की खदानें आई विस्थापित हो गए, फिर NTPC का प्लांट आया विस्थापित हो गए, फिर बनियों के कॉरपोरेट के SR आ गए, शासन आ गया, इंडालको आ गया, JP का आ गया, बालको आ गया, ये सब आ गया, वहां से वो भगा दिए गए, फिर जहां बसे हैं वहां फिर कहते हैं यहाँ कोयला है, वहां से भगा दिए जाए। ऐसे जरूरतमंदों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल प्रदेश की जरूरत है। आप शहडोल में पेट्रोल की आप कहते हो रेलगाड़ी दे देने से, कोयला खदान खोल देने से उस इलाके का बड़ा विकास हो जाएगा, किसके पास इकोनॉमी आज सिंगरौली की? सिंगरौली की इकोनॉमी 1% भागीदार सिंगरौली की इकोनॉमी का वहाँ का जनजाति वर्ग नहीं है, वहाँ की ठेकेदारी पूरा UP और बिहार के हाथ, वहाँ का मजदूर वर्ग पूरा उड़ीसा का है, वहाँ के इंजीनियर और स्किल लोग सब बंगाल के, 1 पैसे का योगदान की इकोनॉमी वहाँ के लोगों की, जिनकी जमीन पे NTPC की धुजवत हुई चिमनियाँ हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1 पैसे की इकोनॉमी उनकी मुट्ठी पे नहीं है, मारे मारे भगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बन प्रदेश चाहिए। आप शहडोल चले जाओ, ओतमा, बुढ़ार, शहडोल, इन किसके पास इकोनॉमी है? आप देखो एक भी वहाँ के मूल निवासियों के पास वहाँ की इकोनॉमी नहीं है, वो सब बाहर के बाहर लुटेरे वहाँ पे पहुँच गए। और सर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या विंध्य प्रदेश का निर्माण हो जाने से लोगों की ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, लोगों को नौकरी मिलना चालू हो जाएंगी, लोग पलायन नहीं करेंगे, क्या ये विंध्य प्रदेश के निर्माण के बाद संभव हो जाएगा? बिल्कुल, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ, यकीनी तौर पर इसलिए कह सकता हूँ कि हम जब अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल अपनी बरकत के लिए करेंगे, जब हम आज आप ये समझो कि मतलब एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स की बात करो आप, तो सबसे जरूरत क्या होती है आदमी के जीवन और खेती के लिए? पानी। पूरे मध्य प्रदेश में 34 वाटरवाड़ीज हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बेतवा है, हमारे यहाँ केन है, हमारे यहाँ धसान है, हमारे यहाँ से नर्मदा निकलती है, हमारे यहाँ सोन निकलती है, हमारे यहाँ स्टमस निकलती है, हमारे यहाँ से इस तरीके से पानीदार नदियाँ निकलती हैं। जो पूरे मध्य प्रदेश में जो पानी है ना, वो पानी हमारे 34% वाटर बॉडीज पानी का स्टोर हमारे इलाके में है, जो यमुना को और गंगा को पानीदार हमारी नदियां बनाती हैं, और नर्मदा जिसको देश की जीवनदायिनी जाती है ना, वो हमारे गर्भ से निकलती है, हमारे विंध्य के गर्भ से निकलती है, और यहाँ से पानी लेके वो कच्छ की खाड़ी तक जाती है और पूरे आधे हिंदुस्तान को धन धान से संपन्न बनाती जाती है, उसका हम कितना हिस्सा मिलता है। फिर आप देखो कि हम सीमेंट दुनिया के लिए बनाते हैं, 15% का सीमेंट का प्रोडक्शन पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में यहाँ इस इलाके का है, हर 10वां घर हमारे लाइम स्टोन से बनी सीमेंट की बुनियाद से बना हुआ है, हर 10वां घर का जो बल्ब रोशन होता है वो जो 35,000 मेगावाट बिजली हमारे विंध्य क्षेत्र में पैदा होती है, वहां से जो बिजली जाती है वहां से बनता है। और अब तो आपका दिल्ली की मेट्रो हमारी बिजली से चलती है, जो सोलर प्लांट अपने ये गुड़ की पहाड़ियों में, भदवार की पहाड़ियों में बना है ना, वहाँ से जो बिजली जाती है ना, उससे तो दिल्ली की मेट्रो चलती है। दुनिया की सबसे सस्ती बिजली ये सोलर प्लांट में 2 रुपए 10 पैसे यूनिट में बन रही। तो इस तरीके से भी हमारे पास इकोनॉमी का वो है, कोयले की, कोयला तो अभी 100 वर्ष के लिए, जिस गति से कोयला अभी NCL का निकल रहा है, इस गति से निकलता रहे तो 100 वर्ष तक के लिए डिपॉजिट है, तो वो हमारे लिए है, इकोनॉमी के लिए तो वो करेगा ही। तो हमारे पास पानी है, हमारे पास खेत है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास माइंस है, हमारे पास पावर है, हमारे पास है क्या नहीं? जब ये सब कुछ हमारे पास है तो हमारा ये सब रिसोर्सेज जब यहाँ लगेगा, यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट खुलेंगे,
शिक्षा की। तो शिक्षा आप दे दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। आप स्किलफुल किसी विद्यार्थी को बना दीजिए, किसी लड़के को बना दीजिए ना, वो अपना रोजगार करेगा, वो उसका एक्टिविटी कर लेगा। तो यहाँ कृषि के आधार पे, वन के आधार पे उद्योग, खनिज के आधार पे उद्योग, आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके आधार पे उद्योग, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कहीं कुछ दाएं बाएं दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुकाबले विंध्य प्रदेश यदि एक राज्य के रूप में गठित होता है, तो जैसे ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश से आगे है, झारखंड की ग्रोथ रेट बिहार से ज्यादा आगे है, विंध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश से दुगुना तिगुना ग्रोथ रेट के साथ ये विंध्य प्रदेश आगे चल कर भाई। तो जयराम शुक्ला जी का क्या अनुमान है, कितने सालों में हम विंध्य प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे? संभव है कि हमारी चौथी पीढ़ी विंध्य प्रदेश देखे। ये ऐसे आंदोलन है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इसमें डेडलाइन फिर भी एक लक्ष्य लेके चला जाता है। जयराम शुक्ला जी ने कितने सालों का लक्ष्य रखा है अभी? ये हमारे निर्भर करता है, हम हृदय में नहीं घुसे। जिस तीव्रता के साथ विंध्य प्रदेश को आप महसूस करते हो, मैं महसूस करता हूँ, नारायण त्रिपाठी महसूस करते हैं, उस तीव्रता के साथ क्या शेष 2 करोड़ लोग जो विंध्य प्रदेश के वासी हैं महसूस करते हैं? यदि उसी तीव्रता के साथ आज महसूस करना शुरू कर दें तो 5 साल के भीतर बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 करोड़ विंध्यवासी अपने हृदय में विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की जो भावना है, उसकी तीव्रता है, उसको गंभीरता के साथ महसूस करना शुरू कर दें। उनके सपने में विंध्य प्रदेश आने लगे, वो बात बात में उनके विंध्य प्रदेश की उपेक्षा, विंध्य प्रदेश का दर्द, उसके प्रति उनका प्रेम, उसके प्रति उनकी आस्था झरने लगे, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। कोई फिर कोई बाधा है ही नहीं। लेकिन लोगों के हृदय में, मेरे दिमाग में, मैं आशावादी हूँ कि विंध्य प्रदेश आज नहीं तो कल बनकर रहेगा ही। कहते कि मतलब विचार कभी मरते नहीं और इतिहास कभी दफन नहीं होता। तो न तो इतिहास अभी दफन होगा विंध्य प्रदेश का, और न विचार कभी मरेंगे। ये इतिहास का काल चक्र फिर घूम फिर के आएगा और विंध्य प्रदेश के पुनरुदय का जो विचार है वो फिर फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, विंध्य प्रदेश का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग उससे जुड़ेंगे। हम एक पत्रकार के तौर पर ये सारी घटनाएं देखेंगे और आपसे जो आपका विंध्य क्षेत्र को लेकर के जो अनुभव है उससे हम आगे भी रूबरू आपसे होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।